فاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما بعد فقال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وفرقانه المتين وقوله الحق والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات محمد وآل محمد ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ برادران اسلام قرآن مجید میں ہم سب ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے یہ آیت جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ حالات کتنے ہی ناسازگار ہوں زمانہ کتنا ہی مخالف ہو وقت کی بڑی طاقتیں تمہاری دشمن ہو جائیں مگر گھبرانا نہیں پریشان نہ ہونا فکر مند نہ ہونا ہمارے وعدے پر اعتبار رکھو ہم نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ ہمارا یہ رسول اور اس کا مشن مغلوب ہو جائے ہم نے اس کو دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے کہ یہ دین حق پوری دنیا پر چھا جائے اور انسانوں کے بنائے ہوئے جتنے دھرم ہیں جتنے ریلیجن ہیں جتنے مذہب ہیں وہ سب مٹ جائیں چاہے یہ بات مشرکوں کو اور شرک کے پرستاروں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے شروع میں خود قرآن مجید کی عظمت و جلالت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں اب سے تقریباً 1.5 سال پہلے کا لگ بھگ واقعہ ہوگا جب انڈین گورنمنٹ کے قائم کیے ہوئے مائنارٹی کمیشن نے گجرات کے ہولناک فساد کے بعد یہ چاہا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے قریب لایا جائے تو ہمارے ہندو حضرات کی طرف سے اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کن کن ناموں سے واقف ہیں اور کن کن ناموں سے واقف نہیں ہیں ہمارے یہاں ایک بہت بڑی تنظیم ہے فیسسٹ تنظیم آر ایس ایس بہت منظم ہیں یہ لوگ اور ان کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے مسلمانوں کو مٹاؤ اسی کے ساتھ ساتھ بجرنگ دل ہے جو آر ایس ایس کا ملٹری ونگ ہے اور
VHP है, विश्व हिंदू परिषद, कि जो करोड़ों की तादाद में सरमाया फराहम करती है, शिवसेना है बाल ठाकरे वाली। हिंदुस्तान में बड़े अच्छे अच्छे हिंदू भी हैं, बहुत सुलझे हुए हिंदू भी हैं, मगर इस तरह की पार्टियां भी हैं। तो माइनॉरिटी कमीशन ने उन लोगों को बुलाया, वो फौरन तैयार हो गए आने के लिए। और जब मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड से ये कहा गया कि आप आए बात करने के लिए, तो उनके सामने एक टेक्निकल मजबूरी आ गई। उनके सामने टेक्निकल मजबूरी यह आ गई कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड ने एक रेजोल्यूशन के ज़रिए ये तय किया था कि हम हर एक से बात करेंगे, मगर वो लोग और वो पार्टियां कि जो बाबरी मस्जिद की शहादत के सिलसिले में मुलव्वस हैं, हम उनसे कोई बात नहीं करेंगे। तो मुस्लिम फैसला बोर्ड ने, जिसके सदर अब इस वक्त मौलाना राबे साहब हैं, बहुत बड़े आलिम जलील हैं, अहले सुन्नत के बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, और नदवतुल्लमा जैसा कल मैंने जिक्र किया था, इस पर चांसलर उसके वही हैं। और मैं इस बोर्ड का नायब सदर हूँ, और जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि हर फ़िरके के लोग इस बोर्ड में शामिल हैं, तो इस बोर्ड ने तय किया था कि हम उनसे बात नहीं करेंगे जिन्होंने मस्जिद के शहादत में बराह रास्त हिस्सा लिया है। तो अब ये मसला फंस गया आगे। तो माइनॉरिटी कमीशन के लोगों का फिर डायरेक्ट मेरे पास फ़ोन आया दिल्ली से कि अगर मुसलमान बात करने के लिए नहीं आए तो इन लोगों को वॉकओवर मिल जाएगा, और ये कहेंगे हम तो बात करने के लिए आए थे मगर मुसलमान आए ही नहीं। ये नाजुक बात थी। तो दूसरे दिन मैं मौलाना राबे साहब की खिदमत में किया और मैंने कहा कि ये मामला बहुत पेचीदा है, इतना आसान नहीं है, मुसलमानों के नुमाइंदों को जाना चाहिए बातचीत करने के लिए, डरने की कौन सी बात है। कहने डरने की बात तो नहीं है, मगर हम तो रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं। तो मैंने कहा आप अगर मुनासिब ख्याल करें तो मुझे इजाज़त दे दें, मैं जाऊँ, मगर मैं जाने के बाद कह दूँगा कि मैं ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट या नायब सदर की हैसियत से नहीं आया हूँ, ज़ाती हैसियत से आया हूँ, ताकि कम से कम एक आध आदमी तो उनकी बकवास को चेक करने के लिए वहाँ मौजूद रहे, वरना वो तो जो कहें कह के चले जाएंगे। तो खैर उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। तो माइनॉरिटी कमीशन का हेड ऑफिस नई दिल्ली में है, मैं वहाँ पहुँचा और कुछ मुसलमान, बहरहाल मुसलमान मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम है, लेकिन जो लोग आए थे 2-4-5, इल्मी हैसियत से कोई उनकी मंजिल नहीं थी। तो मैं जैसा हूँ वहाँ हज़रात के सामने है, तो ये तय हुआ कि क्लोज डोर मीटिंग होगी, 2 घंटे तक चलेगी, दरवाज़े बंद कर दिए गए। अब उधर से एक जुगादरी मौजूद, बड़े बड़े स्कॉलर्स मगर फ़िरका परस्त, जिसमें आचार्य गिरिराज किशोर, परवीन तुगड़िया, आपने नाम सुना होगा, मनी, प्रोफेसर मनी, मिस्टर दास, ये सब लोग मौजूद थे। इधर से मैं अकेला फुटेल फंसा हुआ था, लेकिन बहरहाल मुझे अल्लाह पर, अपने माबूद की ज़ात पर भरोसा था। गुफ्तगू जब बंद कमरे में शुरू हुई तो इत्तेफाक से हरिद्वार के पास एक मुकद्दस मकाम है हमारे हिंदू भाइयों का, ऋषिकेश, वहाँ के एक साधु आए, जो मेरे ख्याल 40 साल से कम ही उनकी उम्र रही होगी, लेकिन बहुत पढ़ा लिखा आदमी था वो। तो माइनॉरिटी कमीशन के सदर ने सबसे पहले उनसे कहा कि आप इस मसले पर कुछ रोशनी डालें। देखिए वो भी हिंदू था, मगर उसने कम्युनलिज्म और फिरके वारियत के खिलाफ इतनी पावरफुल तकरीर की और इतनी ज़ोरदार तकरीर की कि विश्व हिंदू परिषद, RSS और बजरंग दल के लोगों की
को सांप जैसे सूंघ लिया। फिर वो भी सिवाय मीठी मीठी बातों के और कुछ उनकी समझ में नहीं आया कि कोई और बात वो करें। फिर मेरी भी तकरीर हुई, मैंने भी जो कुछ कह सकता था वो कहा। तो अल्लाह का फजल हुआ कि वो मीटिंग मुसलमानों के हक़ में टर्न हो गई और रुख मुसलमानों की तरफ उसका मुड़ गया, हालांकि बड़े ख़तरनाक लोग वहाँ पर मौजूद थे। मैंने नसीहत के हिंदुओं भी हर तरह के लोग होते हैं, जैसे मुसलमानों में हर तरह के लोग हैं, हर कौम हर तरह के लोग पाए जाते हैं। 2 घंटे के बाद जब उस कॉन्फ्रेंस के रूम का दरवाज़ा खोला गया और मीडिया घुसा तो बल लोग पागल हो गए। अब जो है वो टीवी कैमरे के सामने आना चाह रहा है, जो बकवास करना चाह रहा है वो बकवास करना, मैं तो अपने कोने में जाके अलग बैठ गया। फिर मैंने ये देखा कि आचार्य गिरिराज किशोर जो VHP के बहुत सरकर्दा लीडर हैं और अब बहुत ज़यीफ़ हो चुके हैं, इतनी बड़ी उनकी सफ़ेद दाढ़ी है, पहले DIG थे, फिर जब रिटायर हुए तो VHP में आ गए। उनमें और दिल्ली के एक आलिम है मुसलमान, लेकिन ठीक है मौजदा हैं मगर बहुत ज़्यादा नज़र उनकी मालूमात नहीं है, मौलाना जमील अहमद इलियासी। मैंने देखा कि उन दोनों में बड़ी चीख चीख कर बातें हो रही। मैं कहा भाई क्या हो गया, अभी तो यहाँ सब ठीक बैठे हुए थे और बड़ी प्यार मोहब्बत की बात हो रही थी, वो लोग तकरीबन लड़ते हुए बाहर निकलते चले गए। तो मैंने कहा भाई क्या हुआ, यहाँ तो अच्छी बात हो रही थी, ये दोनों में लड़ाई कहाँ को शुरू हो गई। सुनिए, तो मुझसे लोगों ने बताया कि मौलाना साहब वो किस्सा ये हुआ कि जब ये लोग यहाँ से उठ के गए तो आचार्य गिरिराज किशोर ने मौलाना जमील अहमद इलियासी से कहा कि मौलाना साहब हमारे और आपके दरमियान सारे ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं, उसका एक फार्मूला मेरे पास है। उन्होंने पूछा वो क्या है फार्मूला आपके पास, तो उनका ऐसा है कि गीता पर हमारा ईमान है और कुरान मजीद पर आपका ईमान है। बहुत तेज़ लोग थे वो, हम दोनों बैठ जाएं और बैठने के बाद जो बातें काबिल एतराज़ गीता में आपको दिखाई दें वो हम निकाल दें और जो बातें कुरान में हमको काबिल एतराज़ दिखाई दें उसे आप निकाल दें। अब आई बात आप समझे, उनका जो बातें गीता में काबिल एतराज़ हैं वो हम निकाल दें, हिंदू निकाल दें, और जो बातें काबिल एतराज़ कुरान मजीद में माज़ल्ला अस्तग़फ़िरुल्लाह वो मुसलमान निकाल दें और गले मिल जाएं। इसी पर वो चीख रहे थे जमील अहमद इलियासी कि वो तो अल्लाह का कलाम है और उसको कौन इंसान ठीक कह रहे थे, मगर ये कि वो बात सही तो थी लेकिन वो जवाब नहीं था। खैर वो तो लोग बाहर जा चुके थे, फिर मैंने बयान दिया और मैंने खुद उनके गढ़ में जाकर तकरीर के दौरान कहा, इसलिए कि ये फितना आपने देखा होगा हिंदुस्तान में बराबर उठ रहा है कि कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं कि जो हिंदुओं के लिहाज से यानी मूर्ति पूजा करने वालों के लिहाज से काबिल एतराज़ हैं, जिसमें मुशरिकों को कत्ल करने का और ये करने का वो करने का हुक्म दिया गया है। मैं यहाँ भी अर्ज़ कर दूँ कि माशाल्लाह हैदराबाद सिंध में हमारे हिंदू भाई बहुत कसरत से रहते हैं और मेरा मिशन जो है वो खाली शिया सुन्नी इत्तेहाद नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद भी। तो मैंने पहले ही कह दिया कि हिंदू भी हर तरह के होते हैं, लेकिन ये गड़बड़ किस्म के हिंदू थे, फसादी। तो मैंने फिर अपनी तकरीर में और बयान जो मैंने दिया उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बार बार बात कही जाती थी कि कुरान से उन आयतों को निकालो, कुरान की आयतों से निकालो, कुरान मजीद से उन आयतों को निकालो, उसके बाद से वो दरवाज़ा बंद हो गया। उसके बाद से फिर कोई बयान नहीं आया इस तरह। मैंने कहा कि आचार्य गिरिराज किशोर जी ने यह फरमाया है कि जो बातें गीता में काबिल एतराज़ हैं उसे निकाल दिया जाए और जो बातें कुरान मजीद में काबिल एतराज़ हैं उसे निकाल दिया जाए, तो 50% मसला तो मैं एक सेकंड में हल किए देता हूँ, इसलिए कि गीता मेरी पढ़ी हुई है, गीता में कोई काबिल एतराज़ बात है ही नहीं। अगर सारे हिंदू गीता पर अमल करने लगे तो झगड़े ही ख़त्म हो जाए, इसलिए कि गीता में आप मेरे पर यकीन रखें, जो हमारे हिंदू भाई सुन रहे हैं वो गीता का अध्ययन करें, पढ़ लें गीता को, मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ, गीता मेरी पढ़ी हुई किताब है। गीता में कहीं बुत परस्ती की इजाज़त है ही नहीं, गीता में तो बुत परस्तों का मजाक उड़ाया गया है, गीता में तो बुतों का मजाक उड़ाया गया है, गीता में तो तौहीद खालिस है। तो मैंने कहा गीता में कोई काबिल एतराज़ बात है ही नहीं, तो 50% मसला तो यह हल हो गया। अब रह गया ये मसला कि आपकी नज़र में कुरान मजीद में माज़ल्ला कुछ बातें काबिल एतराज़ हैं, तो उसके लिए मेरी एक तजवीज़ है और वो तजवीज़ ये है कि ये रोज़ आप लोग इस तरह की बातें करते हैं तो एक मरतबा फ़ैसला हो जाए,
फिर ये किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मैंने अर्ज़ किया कि आप जितने भी लोग हैं, 2, 4, 5, 10, 15, 20 सब आ जाएं एक तरफ से, और मुसलमानों की तरफ से मैं अकेला आ जाऊंगा, मैं काफ़ी हूं, हालांकि मैं जाहिल आदमी हूं, लेकिन मैं आपको समझा देने के लिए काफ़ी हूं, मैं अकेला आ जाऊंगा। एक तरफ आप लोग बैठ जाइए, 2, 4, 5, 10 जितने भी हैं, एक तरफ मैं अकेला बैठ जाऊंगा। और फिर जो सुलझे हुए 2-4 हिंदू थे, साधु, मैंने उनका नाम पेश किया जिनको मैं जानता था, वसंत आचार्य, अग्निवेश, या वही जो ऋषि से आए थे मुनि, उनका नाम मैंने पेश किया। मैंने कहा ये लोग पंच बनकर बैठ जाए, मगर एक मेरी शर्त है, उधर आप बैठेंगे, इधर मैं बैठूंगा, बीच में ये पंच बैठेंगे, ये हकम बैठेंगे, ये आर्बिट्रेटर बैठेंगे, और साथ में एक नाई बैठेगा उस्तुला लेकर, एक हज्जाम बैठेगा उस्तुला लेकर। आप वो आयतें पेश करें जो काबिल एतराज हैं, मैं उसकी वजाहत आपके सामने करूंगा कि ये कुरान की बातें काबिल एतराज नहीं, आपकी फिक्र टेढ़ी है, जो आप इन आयतों का सही मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। अगर मेरे दलाइल के बाद, वो इस्तेदलाल और आर्गुमेंट के बाद, उन हिंदू साधुओं ने कह दिया कि मौलाना आप फेल हो गए, आप साबित नहीं कर सके, तो मैं सर झुका दूंगा उस बारबर के सामने, उस हज्जाम के सामने, और मैं कहूँगा मेरा सर मोड़ दो और चोटी छोड़ दो, मैं जय श्री राम कह के खड़ा हो जाऊँगा। लेकिन अगर मैंने साबित कर दिया कि आपकी समझ की गलती है और कुरान में कोई ऐसी तालीम नहीं है जो इंसानियत के उसूलों से टकराती हो, तो फिर वही उस्तरा कहीं और चलेगा और वहीं आपकी मुसलमानियाँ होंगी, वहीं आपके खतने होंगे। अगर आप इस पर तैयार हों तो जहाँ कहें जब कहें मैं हाजिर होने के लिए तैयार हूँ। बुढ़ापे में बातें करना आसान है, खतने कराना मुश्किल है, इसलिए उसके बाद से फिर अल्लाह का शुक्र है कि 1.5 बरस आज हो चुका है, उसके बाद से आज तक फिर यह आवाज़ बुलंद नहीं हुई। तो कलाम खुदा में कहीं कोई ऐसी बात हो सकती है कि जो इंसानियत के उसूलों के खिलाफ हो? वो कलाम खुदा के जिसकी इब्तदाही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होती है, जब 2 मरतबा अल्लाह की रहमानियत और रहीमियत का जिक्र हो जाता है तो हमारी नमाज खत्म होती है। वो पहला सूरा जो कुरान मजीद में पढ़ा जाता है, नमाज में पढ़ा जाता है, वो शुरू कहां से होता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो तमाम इंसानों का परवरदिगार है। तो जो तमाम इंसानों का परवरदिगार है, वो गैर मजहबों के कत्ल की इजाजत कहां से दे सकता है? लगा किया आपने? बस एक मेरी गुजारिश है कि कुरान इल्म की किताब है, फिर वही बात आ रही है। देखिए मैं आपको मुतमईन कर रहा हूं, कहिए तो मैं कसम खाकर आपके सामने कहूं कि जितना जितना साइंस और टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी आगे बढ़ती जाएगी, कुरान की हकीकतें उभर उभर कर सामने आती जाएंगी। कल मैंने एक आयत आपके सामने पेश की थी, आज दूसरी आयत आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जब इंसान के मालूमात महदूद होते हैं तो तर्जुमे में हमेशा गलती होती है। मुझे अरबी आती है, आप ये ना समझे मुझे अरबी नहीं आती, थोड़ी बहुत अरबी मुझे आती है। कुरान में एक आयत है वस्समाए ज़ातिर रज़, अब पुराने तर्जुमा करने वालों इसका क्या तर्जुमा किया है कि चक्कर खाने वाले आसमान की कसम। क्या तर्जुमा किया? चक्कर खाने वाले आसमान की कसम। क्योंकि उस वक्त जो इल्म हैयत अरबी जबान में कहा जाता है, अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, जो उनको पढ़ाई जाती थी, मैंने भी वो पढ़ी है सुल्तान मदारिस में। अब बैठा हुआ पढ़ रहा हूँ, जानता हूँ कि हिमाकत है, जानता हूँ कि ये बोगस है सब, मगर पढ़ रहा हूँ इसलिए कि कुछ उस्ताद का एहतराम है, कुछ किताब को तसरी मुझे पढ़ाई जाती थी। अब बताइए आप 20वीं सदी मुझे क्या पढ़ाया जा रहा है कि देखो ये आसमान जो है ये ज़मीन के गिर्द इस तरह से लिपटे हुए हैं जैसे प्यास के छिलके होते हैं, और जाहिर जब प्यास कटती है तो आंसू बहते हैं, वो कह रहे थे कि प्यास के छिलके होते हैं, मैं रो रहा था, अपनी निगाह पर कहाँ की बातें कर रहे हैं।
कैसे प्याज के छिलके हो, कैसे लहसुन के जवे, कहाँ से कहाँ आदमी पहुँच चुका है, उसी के लिहाज से तर्जुमा किया गया कि चक्कर खाते हुए आसमान फलक के कज रफ्तार। बाकायदा ये समझा जाता था कि सात आसमान हैं ठोस सॉलिड, जो एक दूसरे पर लिपटे हुए हैं। कुरान ने कहीं नहीं कहा है। समा अरबी जबान में किसे कहते हैं, डिक्शनरी उठाकर आप देखें तो डिक्शनरी में आपको समा के माने क्या मिलेंगे, कि कुल्लु शैइन अला फअज़ल्लक फहुवा समा, हर वो शय के जो ऊंची हो और तुम पर छा जाए वो आसमान है। हर शय जो बुलंद होकर तुम पर छा जाए वो आसमान है। उसमें आसमान के ये मानी नहीं है जो पुराना इल्म नुजूम या इल्म हयात या एस्ट्रोनॉमी बताती है। अब ज़ात रज, कोई साहब अरबी जबान की किसी डिक्शनरी में मुझे रजअत के माने चक्कर के दिखा दें, है ही नहीं। रजत के माने चक्कर के नहीं है। भाई आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, हम में से जो शिया हजरात हैं उनका यह अकीदा है कि रजअत होगी। तो रजत के माने क्या है, जमीन को चक्कर आ जाएंगे, आप चकरा जाएंगे। रजत के माने पलट कर आना, यही माने तो हैं। अभी वो तो उर्दू तक में इस्तेमाल होता है। तो रजत के माने क्या है, पलट कराना। अब जो अरबी जबान में रजा के असली माने हैं उसके लिहाज से तर्जुमा क्या होगा, कि उस आसमान की कसम जो पलटा देने वाला है। अब आप गौर करें, आज की लेटेस्ट साइंस ये बताती है कि आपकी जमीन के ऊपर, मैं बहुत टेक्निकल टर्म्स में इस्तेमाल नहीं करूंगा, लोग समझ नहीं पाएंगे, लेयर्स हैं, मुख्तलिफ तहें हैं। एक तह 15 किलोमीटर ऊपर है, फिर उससे ऊपर है, फिर एक उससे ऊपर है, फिर उससे ऊपर है। इसी में एक तह वो है जिसका काम क्या है, बताऊं आपको। आप रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं, भाई ये लहरें जो ट्रांसमीटर से निकल रही हैं आसमान की तरफ जा रही हैं, इनको तो आसमान में चला जाना चाहिए और गायब हो जाना चाहिए। नहीं, इन्हीं लेयर्स में से, इन्हीं तहों में से, या इन्हीं आसमानों में से एक आसमान वो है कि जब ये लहरें उस तक पहुंचती हैं तो वो इन लहरों को जमीन की तरफ पलटा देता है। और नहीं, आपने अगर वो पलटाए नहीं जमीन तक तो आप तक रेडियो की कोई आवाज नहीं पहुंच सकती, आप तक टीवी की कोई तस्वीर नहीं पहुंच सकती। तो आज जब रेडियो टीवी की लहरें वहां जाती हैं और पलट पलट कर आती हैं तो हमारे सामने ये बात आती है कि आसमान में कुछ ऐसी तहें मौजूद हैं, कुछ ऐसी लेयर्स मौजूद हैं कि जिनसे टाकर टकराने वाली लहरें फिर पलट कर जमीन तक आ जाती हैं। इसी बात को कुरान अपनी जबान में कह रहा है, बस समाए ज़ात रज का हमको कसम है उन आसमानों की कि जो लहरों को, रेडियो की और टीवी की और उस तरह की लहरों को जमीन की तरफ पलटा दिया। आप कुरान की कद्र करें, एहसास कमतरी का शिकार न हो। मैं इंशाल्लाह मुसलसल कुछ न कुछ बातें इस सिलसिले में आगे भी अर्ज करता रहूंगा। तो अब उसी कुरान पाक में इरशाद है कि दीन इस्लाम गालिब होकर रहेगा। क्यों गालिब होकर रहेगा, इसलिए कि इस्लाम में कोई बात अक्ल के खिलाफ नहीं है, इस्लाम में कोई बात इल्म के खिलाफ नहीं है, इस्लाम में कोई बात फैक्ट और हकीकत के खिलाफ नहीं है। ये चीजें वो हैं कि जो आखिर में गालिब आएंगी। जितना जितना जहालत मिटती चली जाएगी उतना उतना ये चीजें गालिब आती चली जाएंगी, यानी इस्लाम के पाए मजबूत होते चले जाएंगे। बस अब सुने आप, मैं मौजू को शुरू कर रहा हूं। अब जान तो हर चीज़ में किसी न किसी हद तक पाई जाती है, वो मैं अगर शुरू करूँगा तो भी बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैं वहाँ से शुरू करता हूँ कि जहाँ से जान आपको दिखाई देती, जान यानी लाइफ। तो जान आपको जानवरों में दिखाई देगी,
जानवरों में जान होती क्या नहीं होती है? जानवरों में जान होती है। अब जानवर में जब जान है तो कैसे, मैं मेरी अकल हैरान है कि कैसे लोग अल्लाह का इनकार करते हैं। बखुदा मैं इसे नहीं कह रहा मैं मुसलमान हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, मेरी अकल नहीं, मैं हैरान हो जाता हूँ मैं कि इतने बड़े फ्लॉलेस सिस्टम को देखने के बाद, आइंस्टाइन जो दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान गुजरा है वो क्या कहता है? अल्लाह हू अकबर। देखिए वो भी इत्तेफाक से वही कहता है जो कुरान पहले कह चुका है, वो कहता है कि अब जो बच्चे यहाँ के कॉलेज और यूनिवर्सिटी की नाय में हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो मेरी ज़बान से समात फरमा लें। कि वो कहता है कि इस कायनात की, जिस कायनात में हम रह रहे हैं, इस संसार की, इस यूनिवर्स की कोई हद है ही नहीं, कम से कम हमारे इल्म में कोई हद नहीं है, हद नहीं है कोई। इसलिए कि वो रोशनी के जो 186,000 मील पर सेकंड की रफ्तार से सफर करती है, कुछ ऐसे सितारे हैं जो अरबों साल पहले पैदा हो चुके हैं और उस वक्त से उसकी रोशनी जमीन की तरफ मसरूफ सफर है, अभी तक यहां पहुंची नहीं है। तो हम कायनात की हदों को जानते नहीं, मगर कायनात की हदों को न जानने के बावजूद भी जो बात हम जानते हैं वो ये है कि हम इतनी सी मशीन बनाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पर कोई नक्स रह जाता है, और अगर नक्स न रह जाए तो दूसरे मॉडल की जरूरत ही ना पड़े, दूसरा मॉडल मार्केट में आना खुद इस बात की दलील है कि यह तरक्की याफ्ता मॉडल है, जो उसमें कमियां थी वो दूर कर दी गई है। गौर करो कि वो बनाने वाला कैसा है कि जिसने इतनी बड़ी कायनात बनाई है कि जिसकी सरहदों को हम नाप नहीं सकते, मगर जिसमें कहीं एक नुक्ते के बराबर भी हमको कमी या नफ्स या फिला नहीं दिखाई देता। ये कौन कह रहा है? आइंस्टाइन कह रहा है। और इसी बात को सूरतुल मुल्क में कुरान मजीद ने कहा कि पूरी कायनात पर गौर करे इंसान, यरजुल इलैकल बसरो वहुव हसीर, चाहे तू टेलीस्कोप्स के जरिए देखे, चाहे रेडियो टेलीस्कोप्स के जरिए से देखे, कायनात की पैमाइश कर, हर मरतबा नजर थक थक कर पलट कर आ जाएगी कि मुझे सरहदें नहीं मिल रही हैं, मगर इन सरहदों की न मिलने वाली कायनात। ये कुरान कह रहा है मां तराफी खल्क रहमान मिन तफावुत, सरहदें तो नहीं मिलेंगी मगर उसी के साथ साथ एक शय और जो तुझको नहीं मिलेगी वो ये कि इस अजीम कायनात में तुझे कहीं पर कोई कमी नहीं दिखाई देगी। और समझ रहे हैं? तो अब जानवर में जान है, वो चल रहा है फिर रहा है, तो ये जिंदगी खर्च हो रही है, खर्च हो रही है। आप चूल्हे में कोयला डालें या लकड़ी रखें और उसमें आग लगाएं तो वो लकड़ी कम होना शुरू होगी, कोयले जलना शुरू होंगे, है ना? तो अगर आप आग को बरकरार रखना चाहते हैं तो जितने कोयले कम हो उतने कोयले फिर डाल दीजिए, जितनी लकड़ियाँ जल रही हैं उतनी लकड़ियाँ और डाल दीजिए, तभी तो आग बरकरार है, वरना ख़त्म हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो ज़िंदगी का ईंधन ख़त्म होता रहता है, इसको मुसलसल सप्लाई की ज़रूरत है, इसको मुसलसल सप्लाई की ज़रूरत है। अब जानवर में अक्ल तो है नहीं, तो अगर जानवर को भूख न लगे तो वो खाना क्यों खाएगा? गौर कीजिएगा कैसा कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड निज़ाम है कि जानवर को अगर भूख न लगे तो वो चारा क्यों खाएगा? इसलिए भूख उसको चारा खाने के लिए मजबूर करती है, और भूख अगर उसको चारा खाने के लिए मजबूर करे और चारा न हो तो वो खाए क्या? इसलिए अगर जानवर को भूख न लगे तो हिकमत इलाही पर जर पड़ जाए, और अगर चारा मौजूद ना हो तो रज़ाकियत मजरूह हो जाए। लिहाजा भूख भी लगेगी और चारा भी मौजूद होगा। अब चारा हर तरह का होता है,
एक जानवर के लिए कोई चारा जिंदगी बख्श है, कोई घास जहरीली है कि वो खा के मर सकता है, उसको अकल उसके पास है नहीं। आप जरा गौर कीजिए, तो जानवर को भी अल्लाह ने बगैर हादी के नहीं छोड़ा। तवज्जो रखिएगा आज की मजलिस से, जानवर को भी अल्लाह ने बगैर रहनुमा के नहीं छोड़ा। उसकी रहनुमा क्या है? जिबिल्लत, इंस्टिंक्ट्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। सबसे ज्यादा अहमक जानवर गधा कहा जाता है, गधा। मगर गधा भी अहमक होने के बावजूद अगर आप उसके सामने ऐसी शय ले आए जो उसके लिए मुजिर हो, नुकसानदेह हो, और उसके सामने रखकर कहेगा खा, वो नहीं खाएगा। आप कहें बिस्मिल्लाह, वो नहीं खाएगा। सरकार नो शर्माइए, वो नहीं खाएगा। अब आपने डंडे मारना शुरू किए, खा, वो डंडे खाता रहेगा, वो चीज़ नहीं खाएगा, वो डंडे खाता रहेगा, वो चीज़ नहीं खाएगा। इसलिए कि उसका जो हादी अल्लाह ने बनाया है वो उसकी बाग रोके बह के ये खाना नहीं, वरना मर जाएगा। तो वो डंडे खाता रहेगा, अब बोला तो नहीं मानिएगा। पान मसाला खाते हैं आप लोग? गुटखा खाते हैं? क्या कहते हैं आप लोग? गुटखा कहते, कुछ और कहते हैं? सिगरेट पीते हैं? इन चीजों के लिए तय हो गया है कि ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। गधे को जब अल्लाह ने बता दिया कि ये शय तेरे लिए नुकसानदेह है तो डंडे खाता रहेगा, वो शय नहीं खाएगा, ये इंसान कैसा गधा है? क्या मालूम है कि भाई हम ये चीजें खाएंगे तो ब्लड प्रेशर होगा, कैंसर होगा, ये होगा, वो होगा, वो सब गवारा है, लेकिन तंबाकू छूट जाए ये गवारा नहीं है। अब मुझे नहीं पता आप लोग क्या कहते हैं, पान मसाला छूट जाए ये गवारा नहीं है, सिगरेट छूट जाए ये गवारा नहीं है। बच्चों मेरी बात को सुनो तवज्जो से, ये मजलिस में तुम्हारे लिए पढ़ा हूँ, बूढ़े तो सब जानते ही हैं, हमें बच्चों को संभालना है, नौजवानों को संभालना है। तो आप देखिए, जानवर में एक हादी मौजूद है, एक गाइड मौजूद है जिसका नाम है जिबिल्लत। बत्तख के अंडे लीजिए और मुर्गी के अंडे लीजिए, और दोनों अंडों को मशीन में रख दीजिए या किसी मुर्गी या बत्तख के नीचे उसको रख दीजिए, 21 दिन के बाद, 23 दिन के बाद वो अंडे टूटेंगे, उसके अंदर से बच्चे निकलेंगे। अगर एक तालाब के बराबर आपने ये फार्मिंग की है और अंडों से बच्चे निकले हैं, तो मुर्गी के बच्चे निकलते ही वे निकलने के बाद ही तालाब से भागेंगे और चारे की तलाश करेंगे खुश्की में, और बत्तख के बच्चे दौड़ेंगे फौरन पानी की तरफ। ये किसने बताया? इनको पढ़ाने वाला कौन है कि ये जगह तुम्हारी है और ये जगह तुम्हारी है? सुनते रहिएगा। बिल्ली के बच्चे जब पैदा होते हैं तो कई रोज तक उनकी आंखें बंद रहती हैं, है ना, पाल के देख लीजिए कभी। बिल्ली के बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी आंखें कई रोज तक बंद रहती हैं। वो पैदा होने के बाद जब उनको भूख लगती है और रिज़्क इलाही की तलाश करते हैं तो वो अपनी माँ के कान को नहीं नोचते, वो अपने माँ के मुंह को नहीं नोचते, वो अपनी माँ के दुम को नहीं नोचते। अंधे हैं, आंखें बंद हैं, मगर लपक लपक कर उसी जगह पर आ रहे हैं जहां अल्लाह ने उनका रिस्क फराहम किया है। खुदा के लिए गौर कीजिए, अगर कोई माबूद नहीं है तो ये इन अंधे बच्चों को रास्ता कौन बता रहा है? कौन बता रहा है इनको? चलिए बिल्ली का जिक्र हो जाए, इन अंधे बच्चों को रास्ता कौन बता रहा है? और तजुर्बा करके आप देख लें, तो रोज का आपका मुशाहिदा है कि दुनिया में कोई जानवर नहीं है
जो अपने बच्चों के लिए तारीख से तारीख और दूर से दूर एक कोना तलाश करे, सिर्फ बिल्ली है कि जब बच्चे देने का वक्त आता है तो ये किसी घर के दूर उफ्तादा तारीख तरीन किसी गोशे में जाकर बच्चे देती है और वो बच्चे वहां रहने नहीं देती। हाथी ये नहीं करता, घोड़ा ये नहीं करता, गधा ये नहीं करता, सिर्फ बिल्ली करती है। दूसरे दिन वहां से उठा के किसी और जगह ले जाके मुंह के अंदर लटकाए लटकाए लिए हुए जा रही हो जाके वहां वहां रख रही है बच्चों को। तीसरे 7 जगह मशहूर है बिल्ली के बाद। ये क्यों करती है, ये क्यों करती है भाई? अभी हाथी ये नहीं करता, घोड़ा नहीं करता, गधा ये नहीं करता, मुर्गा ये नहीं करता, कोई जानवर ये नहीं करता जो बिल्ली करती। क्यों? इसलिए कि बिल्ली के जानवरों के साथ वो होता है जो किसी के जानवरों किसी के बच्चों के साथ नहीं होता। वो क्या अजा मुसीबत है? वो मुसीबत ये है कि बिलाव इस तलाश में रहता है कि बिल्ली के बच्चे कहाँ हैं। वो बच्चे मुझे मिले और मैं खा जाऊं। इस मां को किसने ये बात बताई कि इसका बाप इन बच्चों की तलाश में है, इसलिए वो एक पोशीदा मकाम पर बच्चे देती है और फिर उसको ये ख्याल होता है कि अगर वो आकर सुबह को यहां देख गया है और रात को खाने के लिए आए तो मैं जगह बदल दूं। ये कौन बताने वाला है? कोई तो बताने वाला है, कौन बताने वाला है? उसकी अकल तो है नहीं, अकल तो है नहीं। मुर्गी के बच्चे को ले लीजिए, चूजा इतना सा। उस मुर्गी के आप कभी आजमा लीजिए कि उस मुर्गी के बच्चे के पहलू से अगर लंबा तलंगा हाथी गुजरेगा तो उसके दाना चुगने में कोई फर्क नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। इतना बड़ा हाथी गुजर रहा है, उससे लाखों गुना बड़ा, वो इतना दाना चुगता रहेगा। और हाथी के गुजरने के बाद आसमान में चील उड़ेगी और उसका साया जमीन पर पड़ेगा तो ये बच्चा चीख कर मां के परों में जाकर छिप जाएगा। ये किसने बताया इसको कि हाथी से खतरा नहीं है, चील से खतरा है? अरे मैं कितनी मिसालें आपके सामने पेश करूं, कितनी मिसालें पेश करूं बच्चों, बताओ बेटा कितनी मिसालें तुम्हारे सामने पेश करूं? ये कौन बताने वाला है? कौन सा मकतब है? कौन सा स्कूल है? कौन सा मदरसा है कि जहां वो बिल्ली के बच्चों को जान दे रहा है तो जान बचाने के तरीके भी बता रहा है, दोस्त और दुश्मन की पहचान ही बता रहा है? और क्या आपने? तो अब जानवर में जान होती है और जान के साथ एक शय और क्या होती है, तवज्जो रखिएगा। जानवर में एक चीज होती है, तीन चीजें नहीं होती हैं। आज की मजलिस में फकत मैं ये बताऊंगा कि उसमें एक चीज क्या होती है और कल उसके बाद बताऊंगा तीन चीजें क्या नहीं होती हैं। एक शय जो जानवर में पाई जाती है वो है जज्बात। जानवर में जज्बात पाए जाते हैं। इतना सा बता दूं, जो तीन चीजें नहीं पाई जाती हैं वो क्या है? अकल नहीं पाई जाती, इल्म नहीं पाया जाता, रूह नहीं पाई जाती। ये किसमें पाई जाती हैं? सिर्फ इंसान में। अकल, इल्म, रूह, स्पिरिट, सोल, आत्मा, ये फकत इंसान में पाई जाती है। जानवर में इसकी तफसील इंशाल्लाह कल और परसों और बाद में समझ करूंगा। जानवर में फकत जज्बात पाए जाते हैं। सबूत आपको चाहिए? सबूत लीजिए। ये बताइए कि आप अगर हंसते हैं तो ये हंसना आपका जज्बा है या अक्ल है? जज्बा है ना। और अगर आपको गुस्सा आ जाए तो ये क्या है? ये भी जज्बा है। आप एक कुत्ते को ढेला मारिए, एक कुत्ते को ढेला मारिए,
वहाँ पर गुर्राएगा। ये गुर्राना काहे की अलामत है? गुस्से की। बहुत से जुमले जबान पर आते आते रह जाते हैं, डरता हूँ भाई दूसरा मुल्क है। अपना मुल्क होता तो मैं ये कहता, अपना मुल्क होता हिंदुस्तान तो मैं ये कहता कि हमारे जो सियासी लीडर हैं वो भी कुछ कुत्तों ही की तरह होते हैं, कि नाराज़ होते हैं तो वो रहते हैं और रोटी डाल दो तो दुम हिलाने लगते हैं। तो हमारे यहाँ तो भैया ही होता है। अब आपने कुत्ते के आगे, उसी कुत्ते के आगे रोटी का एक टुकड़ा डाला, उसने दुम हिलाना शुरू कर दी। वो दुम नहीं हिला रहा है, वो कह रहा है थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, हार्दिक धन्यवाद। तो खुश होना भी जज्बा और गुस्से में आना भी जज्बा। जज्बा अंधा होता है, जज्बा नाबीना होता है। काला नाग जानवर है, एक मासूम बच्चे ने गलती से उसकी दुम पर पांव रख दिया। वो ये नहीं देखा कि प्यारा प्यारा मासूम बच्चा है, क्योंकि उसमें जज्बा तो है मगर अकल नहीं है। वो पलट के चप से उसे काटेगा और बच्चा खत्म हो जाएगा। बिल्ली की दुम अगर किसी मासूम बच्चे ने खेल खेल में पकड़ ली है तो वो ये नहीं देखेगी बिल्ली कि यह मासूम बच्चा है, इसने भोलपन में एक दुम पकड़ ली है, जानबूझ के नहीं पकड़ी है। वो फौरन पलट कर पंजा मार देगी। जिस कुत्ते को आपने रोटी खिलाई है, जो दुम हिलाता हुआ आपके पीछे पीछे हो लिया है, इत्तेफाक से एक क्रिमिनल आपके सामने आया और वो खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ बदतमीजी करना चाहता था, आपने कहा मौका गनीमत है, आपने कुत्ते से कहा ले, दो दिन अगर आपने उस कुत्ते को रोटी खिलाई है, आपके लेह करने पर वो आपके दुश्मन पर टूट पड़ेगा और भंबोड़ खाएगा उसको है? और दूसरे दिन एक मासूम इंसान जा रहा था, कोई खता नहीं, कोई तकसीर नहीं, तफरीहन आपने कह दिया लेह, वो उसको भी दौड़ पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि उसके पास अकल नहीं है। बात तो आप समझते, इसलिए कि उसके पास अकल नहीं है, फकत जज्बात हैं। तो जो लोग आपके जज्बात को वरगलाना चाहें, आप समझ लें कि वो आपको इंसानियत के दायरे से निकालकर जानवरों के दायरे में लाना चाह रहे हैं। समझिए जो बात मैं आपके सामने कर रहा हूं, समझिए जो बात मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। जज्बातियत का शिकार आपको वही इंसान बनाएगा जो आपको इंसानियत के दायरे से निकालकर हैवानियत के दायरे में लाना चाहेगा, जो आपको जज्बाती तौर पर इतना चार्ज कर देगा कि आप ये देखेंगे नहीं कि जिस पर मैं गोली चला रहा हूं ये खता आ रही है बेखता है। तो आप में उस कुत्ते में क्या फर्क रह गया? कोई फर्क नहीं रह गया, बल्कि आप माफ कीजिएगा उससे बदतर हो गए। इसलिए उसके बाद तो अक्ल है ही नहीं, और आप पास अकल है और इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कुरान ने कहा उलाएका कल अनाम बल हुम अजल्लो सबीला, ये जानवर नहीं है, जानवरों से बदतर हैं। इसलिए कि जानवर को तो हमने अकल दी ही नहीं है, उसकी क्या खता, इनको तो हमने अकल दी है और ये उस अकल को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बात को समेटूं, हुजूर के जिक्र से हमारी क्यों मजलिस खाली नहीं हो सकती? बात देख लीजिए, मैं आपके सामने तमाम शिया और सुन्नी भाई, अल्लाह सबको सलामत रखे, यहाँ तशरीफ फरमा है, सब मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं। मैं सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि हुजूर, आप जाइए अपनी अपनी मजहब में, मसलक में, जो आपका मसलक है, सबसे अच्छा मसलक वही है, अपनी किताबों को पढ़िए और मुझे एक वाकया हुजूर की 23 बरस की तबलीगी जिंदगी में दिखा दीजिए कि जहाँ रसूल का कोई इकदाम जज्बात के तहत हो। अपने अपने मसले की तारीखों में देखिए और कल आके मेरे सामने पेश कर दीजिए। जी आप गौर फरमाएं, बस एक मिसाल दे रहा हूं, अगर दो मुल्कों में जंग हो जाए खुदा न खास्ता कहीं भी, और एक मुल्क दूसरे मुल्क की
ज़मीन पर हथिया के कब्ज़ा करके बैठ जाए और बीच में वो इंटरनेशनल चौधरी जो हैं वो तशरीफ़ ले आए कि बहू होगी आप आपस में मेल हो जाना चाहिए और पीस ट्रीटी लिखी जाए और सुलहनामा लिखा जाए, आप बताइए तो कौन लिखवाएगा, कौन लिखेगा, टर्म्स कौन डिक्टेट करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा, शरायत कौन लिखवाएगा, कौन कबूल करेगा? अभी कभी को कहने की बात है, जो जीती हुई पार्टी है वो सुलहनामे के शरायत लिखवाएगी, जो हारी हुई पार्टी है उसको सुलहनामे के शरायत कबूल करना पड़ेंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं, ये पीस ट्रीटीज की तारीख है, हर मजहब की तारीख है, हर सोसाइटी की तारीख है। इसमें अगर एक्सेप्शन है कहीं, इसमें अगर इस्तिस्ना है कहीं, तो उस सुलहनामे में कि जो हुजूर और मुशरिकीन मक्का के बीच में हो रहा है। और फरमाइएगा, बद्र में हारने वाले, ओहद की जंग में अल्टीमेटली हारने वाले, अहजाब और खंदक के मारके में भागने वाले, सर पर पैर रखकर जी, अब सन 6 हिजरी में हुजूर ने ख्वाब देखने के बाद, जिस ख्वाब का जिक्र भी कुरान में है, लतदखुलन المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم مقصرين, ये ख्वाब है, ये ख्वाब कुरान ने मजीद ने बयान किया है कि हुजूर ने ख्वाब देखा कि मैं मरासे में ज़ियारत उमरा बजा ला रहा हूँ और तकसीर भी हो रही है और तहलीक भी हो रही है, और फिर आपने सहाबा किराम से उठकर ये वाकया बयान किया और सहाबा किराम के चेहरे जो तो वो खिल उठे और रसूल चले, जंग करने नहीं जा रहे, खाली मरासे में उमरा बयान बजा लाने के लिए जा रहे हैं, और हुदैबिया के मकान पहुंचे थे कि वही हारी हुई पार्टी जो 3 मरतबा मुंह खा चुकी है वो सामने आ गई, काम तो नहीं आने देंगे, वक्त खत्म हो गया, तफसीलात में जाने का मौका नहीं है, हम तो नहीं आने देंगे, वापस हो जाइए। गुफ्तगू भी कहा, अच्छा भाई स्लो हो जाए, अब भाई स्लो होती है तो कुछ हमारी है, कुछ आपकी, यूं तो होता है ना गिव एंड टेक। आप इस स्लो के माहदे मुझे एक शर्त बता दीजिए जो हुजूर ने लिखवाई हो उन्होंने मानी हो हारी हुई पार्टी ने, और एक शर्त बता दीजिए जो हारी हुई पार्टी ने लिखवाई हो और हुजूर ने ना मानी हो। अभी ये कैसे स्लो हो रही है, वो हारी हुई पार्टी है और रसूल ख्वाब देख कर आए, सहाबा किराम को यकीन है कि हम जरूर रसूल का ख्वाब गलत नहीं हो सकता। अब वो शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने के लिए, कौन बैठा, अली भाई, ये मुसलमान तारीख, इसमें कोई इख्तराबी चीज़ है ही नहीं, मौला अली बैठे लिखने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह का बिस्मिल्लाह ही गलत हो गई, हम मानते ही नहीं, वो लिखे जो हम कहते हैं बिस्मिकल्लाहुम्मा, मौलाना रसूल की तरह क्या करूँ, काट दो जो ये कह रहे वही लिख लो, पहले पॉइंट पीछे हटे। दूसरा पॉइंट, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से रसूलुल्लाह मान लो तुम जंगी कैसे हो, ये भी काटिए। अली ने कहा मैं तो नहीं काटने वाला, और अली रसूल मुस्कुराए का अल्लाह जो तुमसे नहीं कटता उसे मैं काटे देता हूँ, ये भी देखिए उनका। अभी आप वापस हो जाइए, अब वापस हो जाएंगे बहुत सौ का ईमान वापस हो जाएगा, रसूल ने ख्वाब देखा है, कुरान ने बयान किया है, कितनी खतरनाक मंजिल है, आप जरा गौर कर रहे हैं ना, तो इतनी खतरनाक मंजिल, ठीक है वापस हो जाएंगे, अगले साल आइएगा तो देखा जाएगा, ठीक है हमारा कोई आदमी जाएगा तो आप वापस कर देंगे, कर देंगे ठीक है, आप कोई आदमी आएगा हम वापस नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी कुछ स्लो रही है, ये स्लो है कि सरेंडर है। और मजे की बात देखिए कि बद्र की जंग जीते हैं रसूल, कुरान उसे फतेह मुबीन नहीं कह रहा है, ओहद की जंग जीत रहे हैं फतेह मुबीन नहीं, खैबर का मारेका जीत रहे हैं फतेह मुबीन नहीं, हुनैन का मारेका जीत रहे हैं फतेह मुबीन नहीं, खंदक का मारेका जीत रहे हैं फतेह मुबीन नहीं, यहां जब दब कर सुलह कर रहे हैं तो यहां आयत उतर रही है इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ताकि दुनिया समझ ले कि इस्लाम जंग का मजहब नहीं है, इस्लाम जंग को टाल देने का मजहब है। बस मजलिस खत्म हो रही है, तो क्यों फतेह मुबीन करार दिया, आप बताएं कि ये जो सुलह रसूल कर रहे हैं ये जज्बाती फैसला है, इसमें क्या अकल है, इसमें क्या रैशनल है, बताऊं आपको, रसूल की नजरें देख रही थी कि सारी प्रॉब्लम ये है कि हम में और मुशरिकीन मक्का और जो और मुशरिकीन है
हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, हमारे बारे में नामालूम क्या क्या कहा गया है, और हमसे मिलने नहीं दिया जाता, तो किसी भी कीमत पर सही इस बैरियर को गिरा दो। ये खुद अपनी आंखों से देखें कि मैं क्या हूं, ये खुद अपनी आंखों से देखें कि इस्लाम के तालीमात क्या हैं। तो ये बैरियर गिरा देना, ये रुकावट का तोड़ देना रसूल के पेश नजर था कि ये करीब आकर अपनी आंखों से देखेंगे कि मैं क्या हूं और इस्लाम क्या है, तो फिर ये सोचेंगे। और इधर इंसान ने असबियत की ऐनक उठाकर सोचना शुरू किया और इस्लाम उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। बस मजलिस खत्म हो गई। आप गौर फरमाएं कि ऐलान बेसा से लेकर सन 6 हिजरी तक 19 साल का अरसा, 19 साल के अरसे में कितने लोग मुसलमान हुए, कितने हुजूर के साथ आए साहब कराम, 1200। दो बरस के बाद सन 8 हिजरी में जब फतेह मक्का होता है, अब कितने साथ में हैं, 19 साल में 1200, यानी एक साल में 100 भी नहीं पड़े, बोल क्या आपने। और 2 साल के बाद जब हुजूर आ रहे हैं तो अब कितने मुसलमान, 14,000। और मजीद 2 साल के बाद जब हज आखिर में हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं तो अब कितने सहाबे किराम हुजूर के साथ हैं, 1,25,000। जंगों के बाद मुसलमान होने वालों की तादाद सैकड़ों तक भी नहीं पहुंचती है, इस सुलह के बाद मुसलमानों की तादाद लाखों तक पहुंच गई। इसलिए कि जंगें जज्बात से नहीं जीती जाती हैं, जंगें हमेशा अक्ल से जीती जाती हैं। सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मरतबा और सलावात भेजें आप। मौजू शुरू हो चुका है, बस आप गौर करें। मैंने आज इशारा कर दिया कि इस्लाम के गलबे की पहली शर्त यह है कि आप जज्बातियत से अपने को निकालें, अकल के रास्ते को अपनाएं, गुस्से में कभी फैसला ना करें, हसद के तहत कभी फैसला ना करें, जज्बे इंतकाम से मगलूब होकर कभी फैसला ना करें। जब जज्बात तूफान मचाए हों उस वक्त कोई फैसला ना करें, इस तूफान को थम जाने दें, फिर अकल का चराग लेकर आगे बढ़ें। जज्बात से गुत्थियां नहीं सुलझती हैं। बचपने में मैं पतंग उड़ाया करता था, कम उड़ाई है लेकिन उड़ाई है। पतंग लखनऊ की जबान में कंकैया कहते हैं, आप लोग पतंग कहते हैं ना। अब उसमें कभी कभी डोर उलझ जाती थी, अब डोर उलझ गई तो गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा तो वो और उलझती चली जा रही है, यहाँ तक का टुकड़े टुकड़े दौड़ के हो गए। लेकिन अभी ऐसा भी हुआ कि जब डोर उलझी तो जरा रुक के बैठे और अक्ल की चुटकियों से गिरहों को खोलना शुरू किया तो गुत्थी सुलझती चली गई। तो गुत्थियाँ कभी खैचम तानी से नहीं सुलझा करती हैं, अक्ल की चुटकियों से सुलझा करती हैं। आप गौर करें, मैं मजलिसें बामकसद मजलिसें पढ़ रहा हूँ। तो उसी दिन से इस्लाम का गलबा शुरू हो जाएगा जिस दिन आप जज्बातियत से अपने को निकाल के अक्ल के फैसले करना शुरू कर देंगे, अक्ल की राह को अपनाएंगे। ये करबला का जिक्र हो रहा है। करबला में हुसैन के पास क्या था, कोई बहुत बड़ा लश्कर था नहीं, बहुत बड़ा सरमाया था नहीं, कोई हुकूमत पुश्त के ऊपर थी नहीं। देखिए यजीद को आप क्या समझते हैं, यजीद कोई नवाब या राजा नहीं था, यजीद अपने वक्त की सुपर पावर था। इसकी हुकूमत का एक सिरा सिंध में था, यहाँ आपके यहाँ, और दूसरा स्पेन में था। एशिया से लेकर यूरोप तक इसकी हुकूमत फैली हुई थी। इससे मुकाबला करने के लिए हुसैन लेकर चले कयादी 72 हैं, ये भाई इतने बड़े हुकूमत से टक्कर लेने के लिए 72 आदमी लेकर चलने हो,
याद रखिए वही अक्ल का मसला है। हुसैन यजीद को कत्ल करने के लिए नहीं जा रहे थे, यजीद को कत्ल करते उसकी जगह दूसरा यजीद आ जाता। हुसैन यजीदियत को कत्ल करने के लिए जा रहे हैं। तो हुसैन करबला के मैदान में इन 72 सिपाहियों को लेकर आ गए, जिनमें बनी हाशिम के भी अफराद हैं, सहाबा कराम भी हैं, सहाबा की औलादें भी हैं, ताबेईन भी हैं, गोरे भी हैं, काले भी हैं, आका भी हैं, ग़ुलाम भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं। सिन के एतबार से फ़र्क है, सूरत के एतबार से फ़र्क है, ख़ानदान के एतबार से फ़र्क है, शक्ल के एतबार से फ़र्क है, मगर एक लिहाज से कोई फ़र्क नहीं है। और वो क्या लिहाज कि हुसैन के जिस सिपाही को देखिए वो अपनी जगह पर हुसैन दिखाई दे रहा है, वही जज्बा, वही सेंस ऑफ सेक्रीफाइस, वही इखलास, वही लिल्लाहियत। जैसे मकनातीस से आप लोहे को थोड़ी देर चिपका दें तो लोहे में मकनातीसियत आ जाती है, उसी तरह से हुसैन करबला के मैदान का वो मकनातीस था कि इससे जो आकर वाबस्ता हुआ उसमें वही सिफात नुमाया हो गए। बस अज़ादारों, हम और आप क्या हैं? आप भी इमाम के ग़ुलाम हैं और मैं आपका ग़ुलाम हूँ। आज एक ग़ुलाम का ज़िक्र हो जाए और आपकी ज़हमतें ख़त्म कर दूँ। करबला में ग़ुलाम भी थे, एक तो इमाम का ग़ुलाम था तुर्की ग़ुलाम, टर्किश, जिसका नाम था वाज़ेह। ये भी आया कि इसने इमाम से इजाज़त दी, इमाम ने इजाज़त दी, और जब ये जंग करके लड़कर बहुत सों को कत्ल करके घोड़े से गिरा, और हमारे यहाँ का माहौल क्या, मुआशरा क्या है कि माज़ल्ला खुदा ना खास्ता हम होते तो हमने किसी नौकर से कहते कि जाओ उठा लो उसकी लाश, अरे या और किसी दोस्त से कह देते। मगर यहाँ तो इस्लाम की मुसावात को नज़रों से दिखाना था, तो जिस तरह से हुसैन अली अकबर की लाश पर दौड़ कर चले, उसी तरह से इस ग़ुलाम की लाश के लिए भी दौड़ कर हुसैन चले। और जैसे अली अकबर का सर उठाकर अपने जानों पर रखा था, वैसे ही उस ग़ुलाम का सर भी उठाकर अपने जानों के ऊपर रखा। और जब आँखों से टपकने वाले आंसुओं के कतरे इस बेहोश सिपाही के रुखसार पर गिरे तो उसने आँख खोल कर देखा उसे, और मैंने रिवायत में देखा है कि उसने अपना सर हटाया। कहा, अपना सर क्यों हटा रहा है? का मौला, बड़ा मर्तबा मिला है कि मेरा सर आपके जानों पर है, लेकिन मुझे कुछ याद आ रहा है। इमाम ने फरमाया, ने देखा है तो मैं पढ़ाऊँ। इमाम ने फरमाया, तुम्हें क्या याद आ रहा है? कहा, मुझे ये याद आ रहा है कि मैं तो एक मामूली ग़ुलाम हूँ, मेरा सर तो वक्त आखिर आपके जानों के ऊपर है, जब आप पर यह वक्त आएगा तो आपका सर किसके जानों के ऊपर? देखिए, वफा भी ऐसी थी कि अपनी मौत की फिक्र नहीं। अब ये टर्किश ग़ुलाम तो ज़ाहिर है कि इसका रंग सफ़ेद होगा। एक ग़ुलाम हबशी भी था, बस ज़हमत ख़त्म आती है, एक ग़ुलाम हबशी भी था जिसका नाम था जॉन। ये हज़रत बुज़र के ग़ुलाम थे। जब हज़रत बुज़र का इंतकाल हुआ, सहाबी पैगंबर बुज़ुर्ग, तो इमाम हुसैन ने अपने साथ ले लिया। और जब करबला में इमाम ज़ुलाबद्दीन बीमार हुए तो कहा, जॉन तुम्हारा ख़ास काम यह कि मेरे बच्चे की निगरानी करते रहना। जब बहुत से लोग शहीद हो गए तो एक मरतबा ये जॉन आया, और आने के बाद कहता है, फरजंद रसूल, बस मुझे भी आप शहीद होने की इजाज़त दें। तो इमाम ने फरमाया कि मैंने तुमको अपने बच्चे ज़ैनुलाब्दीन की निगरानी पर मुअय्यन किया है, अगर तुमको इजाज़त देना है तो जाओ और जाकर उनसे इजाज़त लो। आए, आने के बाद आवाज़ दे खेमा पर, फरजंद रसूल मेरा सलाम कबूल हो। मरतबा सैयद सदात को होश आ गया था, आवाज़ पहचानी का, कैसे आए हो? का मौला, दफ्तर क़ुरबानी खुला हुआ है, मैंने जब मौला से इजाज़त जंग मांगी तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, आप मुझे अपना फ़िदिया बना दीजिए कि मैं आपकी तरफ से आपके वालिद गिरामी पर क़ुरबान हो जाऊँ। ज़ैनुलाब्दीन ने फरमाया कि जाओ जॉन, मैं तो इस लायक नहीं हूँ, मुझ में तो ये सलाहियत नहीं है, मैं तो बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ, जाओ तुम मेरे नायब और नुमाइंदा बनकर मेरे बाप पर अपनी जान को क़ुरबान करो। आए, कहा मौला, वहाँ से मुझे इजाज़त मिल गई। कौन कहे गई? इमाम ने फरमाया, ठीक है, वहाँ से इजाज़त मिल गई जॉन, लेकिन तुम तो हमारे साथ नेमत में शरीक होने के लिए आए थे, क्यों मुसीबत में पड़ते हो?
ये लोग, ये मेरे नाना की उम्मत जो खड़ी, इनको किसी की तलाश नहीं है, ये सिर्फ मेरी जान के दुश्मन हैं, तुम चले जाओ, ये तुमको जाने देंगे, अपनी जान बचा लो, तुम जान दे भी दोगे तो मैं बचने वाला नहीं, तो क्या फ़ायदा, क्यों अपनी जान दे रहे हो। अज़रदारों, इमाम ने अली अकबर को भी जंग देने में थोड़ा तामुल किया था तो बेटे ने खुशामदे कर कर के याद दे ली। कासिम में जब तामुल हुआ तो बच्चे ने चचा के हाथों और पैरों को चूम चूम कर मरने की इजाज़त ले ली। लेकिन जब जौन को इजाज़त जंग नहीं मिलती तो जौन ना हाथ चूमते हैं, ना पाँव पर सर रखते हैं, ना खुशामदे करते हैं। रिवायत बताती है एक मरतबा सीना तन गया, पेशानी पर शिकने पड़ गई और कहा, फर्जंद रसूल, मैं समझ गया, मैं समझ गया, बात यह है कि मैं हबश का रहने वाला हूँ, बात यह है कि मैं ग़ुलाम हूँ, बात यह है कि मैं मजहूलुन नसब हूँ, आप नहीं चाहते कि मेरा ये नजिस खून आपके, माजल्ला, आपके पाक खून में मिले, तो फर्जंद फातिमा मैं भी तय करके आया हूँ कि आज मैं अपना खून आपके खून में मिला कर रहूँगा। अब बताइए हुसैन क्या जवाब दे, क्या जवाब दे हुसैन। हुसैन ने कहा, ठीक है जाओ। ये बूढ़ा हबशी सिपाही ग़ुलाम आया, आने के बाद लड़ा बहादुरी के साथ और ज़मीन पर गिरा। एक मरतबा हुसैन सराहने पहुँचे और पहुँचने के बाद इसका भी सर उठाकर जानों पर रखा, मगर मैं रिवायत देखा कि जब इसका सर उठाकर जानों पर रखा, आखिरी हिचकियाँ आ रही थी, जब अपने सर को इमाम के जानों के ऊपर देखा तो मुस्कुराया, और मुस्कुराने के बाद दुनिया से रुखसत हो गया। मैं कहूँगा, जौन ये मुस्कुराहट किस बात की? कहा कि मुस्कुराहट इस बात की है कि जब सिपाही को अपनी कामयाबी का एहसास हो जाता है तो उसके लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है। जब मैंने अपने सर के बहते हुए खून को हुसैन के जिस्म अक़दस से बहते हुए देख लिया और मेरा खून हुसैन के खून में मिल गया तो मुझे कामयाबी का एहसास हुआ। बस सरदारों, हुसैन के सिपाही ने हुसैन की गोद में दम तोड़ा, हुसैन ने ज़मीन के ऊपर लाशा रखा और खड़े हुए, और खड़े होने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ की, बस मजलिस ख़त्म हो रही है, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, का पालने वाले, ये मेरा सिपाही, ये मेरा ग़ुलाम, ये मेरा जानिसार, ये मेरा फिदाई, जख्मों से चूर चूर 3 दिन का भूखा प्यासा पड़ा हुआ है मेरे पालने वाले। इसको 2 बातों का बहुत शिद्दत से एहसास था। एक तो इस बात का एहसास था कि इसके जिस्म से बुए बद आती है, दूसरा एहसास ये था कि इसके चेहरे का रंग सियाह है। पालने वाले, एक प्यासे की दुआ सुन ले, अपने रसूल के नवासे की दुआ सुन ले। पालने वाले, इसकी बुए बद को बुए खुश से बदल दे और इसके जिस्म की स्याही को नूर से बदल दे। बनी असद का बयान है कि जब हम दफन शुहदा के वक्त जौन के सराहने पहुंचे हैं तो जौन के जिस्म से मुश्क अंबर से बढ़कर खुशबू आ रही थी और चेहरे का नूर आसमान तक जा रहा था। الحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر حوائج جميع عبادك كلها برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير وصلى الله صلى الله عليك يا مولاي يا ابا عبد الله الحسين السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن امير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك وعلى جدك وأبيك السلام عليك وعلى أمك وأخيك السلام عليك وعلى الأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين من بنيك السلام عليك وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا سلطان العرب والعجم أبو الحسن يا علي بن موسى رضا راضي بالقدر والقضاء حجة الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأمر والأسر والزمان
السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا الله من أنصارك وعوانك الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته چند ضروری اعلانات سماعت فرمائیں تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے چپل اور جوتے